सात संगत जी प्यार से कहना धनंकार जी, जिस तरह का वे व्यक्ति है उसने वही देना है। अगर कोई किसी के हाथ में एक पानी का ग्लास होगा तो आगे वाला उसको कहेगा कि पानी पिला दीजिए और वो पिला सकेगा क्योंकि हाथ में वो पानी की बोतल है। पर अगर है ही नहीं या उसके घर में पानी है ही नहीं तो वो आगे कैसे देगा। ऐसे ही बहुत समय से राजमाता जी भी उदाहरण ये अक्सर देते थे कि अगर एक बोरी है उसको आप कहीं से भी उसमें सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उसमें से चीनी ही गिरेगी, अगर उसमें कोई कौड़ी वस्तु है तो वही गिरेगा। तो वो उस समय तो एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट की जहाँ बात आती है कि अभी किसी ने कुछ किया हमसे तो रिएक्शन हम क्या देंगे, हमारे अंदर जो जैसे विचार हैं वैसे ही बाहर निकलेंगे। अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के भी कुछ चोट पहुंचाने से आगे एक आगे विनम्रता ही निकलेगी, या एक उस तरह बेनिफिट ऑफ डाउट की बात ही आएगी कि कोई बात नहीं ऐसा हो गया तो हो गया। तो साथ ही एक दूसरी तरफ अगर यही आक्रोश भरा है तो किसी की बात जैसे ही हम तक आएगी हम बदले में उसको वैसे ही भाव उसके दिल तक ही उसको पहुंचाना चाहेंगे कि इसने ऐसा किया तो हमें भी पलटकर ऐसा ही करना है। तो जो जिसके पास है वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो आगे वो चीज़ दे भी नहीं सकता, और अगर है तो वही आगे दे जाएगा। ये जो सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है, कि अगर हम किसी के जीवन में कंफर्ट देना चाहेंगे कि ये कोशिश रहेगी कि हमारे जीवन हमारे ऐसे कर्म हों कि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे मुस्कुराहट मिल पाए, तो वो व्यक्ति तो फिर काम ही ऐसा करेगा कि अपनी इंटेंशन से बात शुरू करके कि हर एक के लिए एक खुशी, एक ऐसा एहसास करना कि जीवन में एक खुशी ही प्रदान की जाए, तो उसके कर्म भी फिर उसी के प्रति जाएंगे कि हर एक का जीवन खुशनुमा बन सके। वो प्रयास वो प्रयत्न हर समय यही रहेगा कि चाहे वो अजनबी हों चाहे वो घर के रिश्तेदार हों, कैसे हर एक के जीवन में एक डिफरेंस कर सकें, एक पॉजिटिविटी ला सकें। और साथ ही अगर ये व्यक्ति की इंटेंशन ही ये है कि हर किसी को इस संसार में सिर्फ दुखी मिले, तो अपनी सोच ही इतनी ख़राब, इसी से शुरू करके पहले अपने दिमाग में एक दुख पहुंचाना खुद को, फिर अपने कर्मों द्वारा अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्त रिश्तेदार, ऐसे कार्य कर करके फिर पूरे संसार तक ये प्रयत्न कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हर एक का चैन खो दे हर कोई और हर एक के आँखों में सिर्फ आंसू ही हों, तो फिर वो व्यक्ति का आँखों से आंसू पोछने वाला कार्य नहीं रह जाता और उसके बदले एक दुख पहुंचाता। तो कैसे ऐसे व्यक्ति से एक अगर ये अपेक्षा करी जाए कि ये व्यक्ति हमें बहुत ही एक प्यार का, जैसे दासी ने भी उदाहरण दिया कि अपनी निजी जीवन में भी ये संगत माँ के आगे सांझे करते हुए कि कुछ संगत से तो छुपा नहीं, तो कैसे ये अगर इंटेंशन ही किसी की होती है कि हमें ये अचीव करना है कि आगे एक हम नेगेटिव एक आउटकम देख सकें, तो उस पे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि हाँ ये व्यक्ति शायद कुछ ऐसा करेगा जिससे अमन सुकून होगा, किसी और के मन तक पहुँचेगा, तो वो बात भी एक एक्सपेक्ट करना ही हमारा गलत है उससे, क्योंकि उसके चरित्र में उसके रग रग में अगर विष है तो फिर वही है। अगर हम एक संतरे का जूस पीना चाहते हैं तो संतरे के फ्रूट को जब निचोड़ते हैं तो उसमें संतरे का रस ही निकलता है। तो ऐसे ही अगर एक के पूरे रग रग में ही नफरत, वैर, ईर्ष्या और सारी ये द्वेष भावनाएं, एक बुरी एक फीलिंग्स हैं, तो उसके अंदर अच्छाई होना संभव नहीं है। और वो अच्छाई की ओर अगर उसको कोई महात्मा लाते भी हैं तो भी वो एक उससे पीछे ही रहेगा। या एक चीज़ कहते हैं, अगर सामने एक समुद्र में भी कोई डूबा हुआ है अच्छाई के,
तो भी सूखे का सूखा ही रह गया, क्योंकि सत्संग आते वक्त भी अगर अच्छाइयाँ ये ग्रहण ना करी और मन में विष ही रखा तो फिर वो आगे प्रदान करने के लिए सिर्फ विष ही होगा। ये बात भी है कि हम अगर काम ही ऐसा कर रहे हैं जो हमारे अपने नुकसान का है और दूसरों का भी, तो निश्चित यही बात है कि हम अपना भी नुकसान कर बैठेंगे और सभी का जो हमारे कॉन्टैक्ट में है।